जब किसी भी बड़े टूर्नामेंट में ना आप बिल्कुल बॉटम लाइन लगे होते हैं, बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर चुके होते हैं, आपका कोई चांस नहीं होता, आप मिरेकल के वेट में होते हैं, फिर आप एक मिरेकल क्रिएट करते हैं अपनी मेहनत से, तो फिर आप किसी स्टेज पर पहुंचे ना तो आप इमोशनल हो जाते हैं। सर तकरीबन आप कह लें 15-16 साल हो चुके हैं विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इतना ही टाइम ऑलमोस्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करके उनको आईपीएल के अंदर हो गया है। विराट कोहली को आपने रोते हुए कब देखा है ग्राउंड में? कभी देखा है? आज देखा होगा। इससे पहले मैंने विराट कोहली को ऐसा रोते हुए नहीं देखा उस लेवल का, मतलब वर्ल्ड कप के 2023 के फाइनल के बाद जो इंडिया हारा, दी ओनली मैच विच इंडिया लॉस्ट, उसके बाद मैंने विराट कोहली को थोड़ा सा इमोशनल देखा, लेकिन आज जो मैंने विराट कोहली को इमोशनल देखा अनमैचबल है। वो रो रहे थे स्टैंड्स में, बैठी उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा रो रही थी, अच्छा आम जनरल पब्लिक वो स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही रहे थे, उनमें से भी कुछ रो रहे थे, क्योंकि आज बेंगलुरु में आरसीबी ने वाकई में मिरेकल क्रिएट किया कि जब वो पहला हाफ खत्म होने के बाद आईपीएल की सबसे डिजास्ट्रस टीम बनी हुई थी, जो 8 में से सिर्फ एक मैच जीती थी, पहले 8 में से सिर्फ एक मैच, 6 मैच सीरीज में लाइन में वो हारी थी, एक मैच वो सिर्फ एक रन से हारी केकेआर के अगेंस्ट, जो कि ब्रिलियंट उन्होंने चेज किया था, एक रन से हार गए थे। वो टीम आज सर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, इससे बड़ा मिरेकल और आपको क्या कोई आप देखेंगे क्रिकेट की उसमें? तो तभी तो वो फिर इमोशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा हाई हो गए कि विराट कोहली से कंट्रोल नहीं हुआ, वो रो रहा था, उसकी वाइफ रो रही थी, आरसीबी के फैंस रो रहे थे, क्योंकि इनका कोई चांस ही नहीं था, सब ने इनको ब्रश ऑफ कर दिया था, कुछ भी नहीं हो सकता, इनका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ आरसीबी को कोई फेवर नहीं कर रहा था, आरसीबी को सिर्फ अगर कोई फेवर कर रहा था तो वो आरसीबी के फैंस थे, आरसीबी के फैंस के अलावा, और सर आरसीबी के फैंस की लॉयल्टी को सलूट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग सलूट है, कि वो मतलब सब कुछ देख रहे थे, बातें सह रहे थे, ताने सह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ना लॉयल्टी, वो नहीं चेंज की, जैसे विराट कोहली ने आरसीबी के साथ अपनी लॉयल्टी कभी चेंज नहीं की, आरसीबी के फैंस ने भी कभी आरसीबी के साथ लॉयल्टी नहीं चेंज की। तो उनका आज इमोशनल होना, खुशी से नाचना कूदना छलांगे लगाना, सर दे एब्सोल्युटली डिजर्व इट, वो एक एक पल डिजर्व करते हैं उस खुशी का जो अभी वो सब मना रहे हैं। तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि उनकी टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई है, और 4 टीम्स जो प्लेऑफ के लिए आईपीएल में इस पर्टिकुलर टाइम में क्वालिफाई कर गई हैं, बीइंग KKR, being RR, being SRH, सबसे तगड़ी टीम मुझे इस टाइम प्लेऑफ्स में आरसीबी नजर आ रही है, क्योंकि आरसीबी का मोमेंटम बहुत जबरदस्त जा रहा है, वो बैटिंग तगड़ी कर रहे हैं, वो बॉलिंग तगड़ी कर रहे हैं, उनके पास विराट कोहली है जो कि इस टूर्नामेंट में 700 प्लस रन स्कोर कर चुका है, 64 की इफ आई एम नॉट रॉन्ग बैटिंग एवरेज है, 155 के अराउंड कुछ समथिंग उसका स्ट्राइक रेट है, वो छाया हुआ है विद द बैट, और जब विराट कोहली बैट से छाया हो तो उसने पूरी टीम को उठा दिया। आप विराट कोहली के सेलिब्रेशंस जाकर चेक करें मैच के बाद, जब वो जीते हैं जिस तरीके से वो पम्प्ड अप पूरी की पूरी यूनिट नज़र आई है, उनका कप्तान फॉफ डुप्लेसी वो खुशी से जनाब फिस्ट शो कर रहा है, ग्लेन मैक्सवेल को देखें आप, ग्रीन को देखें आप, सिराज को देखें आप, फर्गुसन को देखें आप, विराट कोहली को देखें आप, अनुष्का शर्मा को देखें इन दी डगआउट, वो वीआईपी डगआउट जो होता है आप, उसके बाद आरसीबी के फैंस को देखें, इमोशनल रोलर कोस्टर किसको कहते हैं वो जो इंग्लिश में ये टर्म है ना इमोशनल रोलर कोस्टर, ये क्या चीज़ है, ये आप आरसीबी की अगर जर्नी फॉलो करें ना इस आईपीएल के अंदर 2024 के एडिशन के अंदर, तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि इमोशनल रोलर कोस्टर होता क्या है। डन एंड डस्टेड, टूर्नामेंट से बाहर, हर तरह की इनको बात की गई, लेकिन सम हाउ दी अदर आरसीबी वालों ने वो सारा कुछ गलत प्रूव कर दिया। मतलब मैं हैरान हो गया हूँ कि यार ये किस तरीके से ये वापस आए हैं इस टूर्नामेंट में। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इनका टाई था, वो नज़र आ रहा था कि इन्होंने एक तो ये मैच जीतना है, और मतलब सेकंड हाफ में एक आरसीबी के साथ यही था कि इनका एक बड़ा ही माइनोर सा आउटसाइड चांस पैदा हुआ था प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने का, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में इनको अपने सारे मैचेस जीतने थे, और ये जो 8 में से सिर्फ एक मैच जीते हुए थे, इन्होंने अगले 6 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीते हैं,
और फिर आप वो प्लेऑफ्स में बैठे हुए हैं। और प्लेऑफ्स में मैं आपको एक बात बताऊं, आरसीबी सर आपको आरसीबी आया फाइनल में, आई एम डैम श्योर आरसीबी फाइनल में आया। कप उठा पाती हैं या नहीं ये मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फाइनल में ना यू नेवर नो, किस्मत अगर एकदम से पलटी खा जाए जैसे टीम इंडिया के साथ खाई वर्ल्ड कप 2023 में, 11 मैचेस 10 इंडिया वन साइडेड ऑलमोस्ट जीता, तबाही मचा दी पूरे वर्ल्ड कप में, एक मैच एंड पर आकर फाइनल हार गया था। तो फाइनल का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि आरसीबी पक्का फाइनल खेलेगी इस साल, दे थॉरली डिजर्व टू लिफ्ट द कप। ये मेरा एक मानना है कि आरसीबी इस साल कप उठाना डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 6 मैचेस में जिस क्वालिटी की क्रिकेट खेली है ना, आईपीएल की किसी दूसरी टीम ने नहीं खेली, उन्होंने भी नहीं खेली जो इस टाइम इनसे काफ़ी पहले प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, उन्होंने भी नहीं खेली। इनकी बैटिंग उठाकर देखें, इनकी बॉलिंग उठाकर देखें, इनकी फील्डिंग उठाकर देखें, इनका ओवरऑल टीम कम्बिनेशन देखें, इनकी टोटल टीम कंपोजिशन देखें, इनका शोल्डर के साथ शोल्डर मिलाकर एक दूसरे के लिए खड़े होना देखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 11 लड़के जो है ना, ये जो 11 आरसीबी के प्लेयर्स हैं, ये एक दूसरे को उठा कर रखते हैं। विराट कोहली डेफिनेटली इनका न्यूक्लियस है, वो एक अलहदा बात है। विराट कोहली का समझें कि विराट कोहली बस इस सारे जो हर्डल है ना उसके सेंटर में है, लेकिन इन सब ने एक दूसरे को उठाया हुआ है। तो यार इनका इमोशनल होना, इनका रोना, इनका चीखें मारना, इनके डांस, इनकी खुशी समझ आती है, बिल्कुल समझ में आती है, और ये डिज़र्व भी करते हैं। तो वेरी वेल प्लेड आरसीबी, मैं हैरान हूँ कि ये जीत कितनी मानी रखती थी कि विराट कोहली जैसा बंदा जिसको कहते हैं कि इसकी मोस्टील नर्व्स वाला बंदा, वो रो पड़ा। अनुष्का शर्मा को तो चलें छोड़ देना, खातून हैं, शोहर की टीम जीती और वो सारे इमोशनल मामला, तो उनका थोड़ा समझ में आता है इमोशनल हो जाना, लेकिन विराट कोहली का इमोशनल होना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये विन और प्लेऑफ्स में जाना कितना मैटर करता है विराट कोहली के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू आरसीबी, बेस्ट ऑफ लक टू आरसीबी के जितने भी फैंस हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।